अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत आने वाले डिस्प्ले तथा ऑल्टर ऑप्शन के बारे में। साथ ही बताएंगे कि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कैसे करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में क्रिएट ऑप्शन के द्वारा स्टॉक आइटम्स बनाना सीखा था। आइए अब इनके अन्य ऑप्शन भी समझ लेते हैं। सिंगल स्टॉक आइटम में डिस्प्ले के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई प्रेस करें, फिर से आई प्रेस करें, अब डी प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स दिख रही है। आप जिस आइटम की डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप स्टॉक आइटम की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, अब फिर से आई की प्रेस करें, ए प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स दिख रही है। अब आप जिस आइटम को ऑल्टर करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहां से अगर आप स्टॉक आइटम के नाम, ग्रुप, यूनिट या ओपनिंग बैलेंस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ध्यान रखें, जिस आइटम को लेकर आपने ट्रांजेक्शन्स कर लिए होंगे उसकी यूनिट आप नहीं बदल सकते हैं। डिलीट के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, एक बार फिर से आई की प्रेस करें, अब ए प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स दिख रही है। आप जिस आइटम को डिलीट करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ऑल्टर और डी कीज को प्रेस करें और यदि अब आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, आपने जिस आइटम को लेकर ट्रांजेक्शन्स कर लिए होंगे वे डिलीट नहीं होंगे। अभी आपने सिंगल स्टॉक आइटम के बारे में जाना, आइए अब मल्टीपल स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस देख लेते हैं। किसी एक ग्रुप के अंतर्गत बने सभी स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की को प्रेस करें, एक बार फिर से आई की प्रेस करें, फिर से आई की प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स दिख रही है। अब आप जिस ग्रुप के अंतर्गत बने स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं उस ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, हमने स्टॉक आइटम्स बनाते समय जो भी डिटेल्स दी थी वे दिखाई पड़ रही हैं। सभी ग्रुप्स के अंतर्गत बने स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, यहाँ फिर से आई की प्रेस करें, फिर आई की प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स दिख रही है। ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें जो कि यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब एंटर प्रेस करें। देखिए, हमने जितने भी स्टॉक आइटम्स बनाए हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ दिखाई पड़ रही है। किसी एक ग्रुप के अंतर्गत बने हुए स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स को ऑल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, फिर से आई की प्रेस करें, अब टी की को प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स दिख रही है। जिस ग्रुप के अंतर्गत बने एक या एक से अधिक स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स को आप ऑल्टर करना चाहते हैं उस ग्रुप पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहां से अगर आप स्टॉक आइटम के नाम, ग्रुप, यूनिट या ओपनिंग बैलेंस में कोई भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आपने किसी स्टॉक आइटम को लेकर कोई ट्रांजैक्शन कर लिए होंगे तो फिर उसकी यूनिट नहीं बदल सकते।
किसी भी ग्रुप के अंतर्गत बने स्टॉक आइटम्स की डिटेल्स को अल्टर करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें। एक बार फिर से आई की प्रेस करें। अब टी प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स दिख रही है। ऑल आइटम्स को सिलेक्ट करें जो कि यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। अब एंटर प्रेस करें। यहाँ से आप जिस स्टॉक आइटम के नाम, ग्रुप, यूनिट या ओपनिंग बैलेंस में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हैं। पर यदि आपने किसी आइटम को लेकर ट्रांजैक्शंस कर लिए होंगे तो उस स्टॉक आइटम की यूनिट नहीं बदल पाएंगे। अभी हमने कुछ वीडियोस में स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम्स के सभी ऑप्शंस को समझाया। इसके बाद वाली वीडियो से हम ये बताएंगे कि परचेस वाउचर और सेल वाउचर क्या हैं और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए उनका उपयोग कैसे करते हैं।